गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक पाठक। टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एम टी एस एंड सो ऑन, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी चेक आवर रिजल्ट दैट आवर रिजल्ट इज रॉन्ग और राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 इज 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि सेम कास्ट वाले को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे जब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तभी, ठीक है ना। तो देखिए ये 3x है, ये 2x है, दोनों सेम कास्ट के हैं, हम दोनों को एक तरफ करेंगे। मींस LHS, इसको RHS से LHS में लाते हैं, तो इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। जब हम लोग LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 18। मींस 3x माइनस 2x इक्वल टू x इक्वल टू 18। x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 18। नाउ यू हैव टू चेक योर आंसर। अब आप लोगों को चेक करने की बारी आ गई, CHECK चेक आपके LHS। हम लोग चेक जब भी करते हैं आंसर को तो LHS और RHS को सॉल्व करते हैं। अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाता है इट मींस दैट आवर आंसर इज करेक्ट। हमारा LHS है क्वेश्चन में, हमारा जो LHS है बेटा 3x है और x की वैल्यू हमारी 18 है, तो 3 into 18 equal to आ गया 54, 83 या 54। हमारा RHS जो है RHS हमारा है 2x plus 18 और 2x plus 18 means 2 into 18 plus 18 equal to 36 plus 18 equal to 54 and 54। अब हम लोगों ने देखा कि ये LHS और RHS both are equal, it means that LHS is equal to RHS, LHS RHS के बराबर है और हमारा आंसर चेक। आंसर क्या हो गया, चेक, CHECK चेक, means answer correct, clear है। Now I will discuss about question number 2, question number 2 हम लोग discuss करते हैं। Question number 2 है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। सेम कास्ट को एक तरफ करेंगे, मींस जो t वाले टर्म है उनको LHS में या RHS में और जो विदाउट t वाले टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे। तो हम लोग t वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, ये 5t है, 5t को एज यूजुअल लिख दिया, ये प्लस 3 है, प्लस 3t है, जब हम इसको RHS से LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू, ये माइनस 5 RHS में है, RHS में जो टर्म जैसे है वैसे ही हम लोग उसको राइट आउट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये माइनस 3 है, इसको हम लोग इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 2t, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, क्लियर है। t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, 2 यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1, t की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1। Now, चेक हम लोग करते हैं, चेक LHS लेते हैं बेटा, LHS हमारा कितना है 5t minus 3 means 5 into minus 1 minus 3 means minus 5 minus 3 equal to minus 8, ये हो गया हमारा LHS। Now, RHS सॉल्व करते हैं, RHS हमारा 3t minus 5 means 3 into minus 1 minus 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 8। तो देखिए हमारा LHS भी माइनस 8 आ गया और RHS भी हमारा माइनस 8 आ गया। इट मींस दैट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको हम लोग बोले आंसर चेक, क्लियर है। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आल्सो चेक योर आंसर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5x plus 9, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5x plus 9 इज इक्वल टू 5 plus 3x,
5x जो x वाले टर्म है हम उनको एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस 3x है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो ये माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 5, ये प्लस 9 है, जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 9 हो जाएगा। 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4, x की वैल्यू आ गई कितनी 5 plus 3 into minus 1 ये हो जाएगा 5 minus 3 देखिए कहीं गड़बड़ हो गया, 5 minus 3 equal to कितना हो रहा है 2 आ रहा है। LHS is not equal to RHS, it means that there is any fault in our solution, हमारे solution में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है चेक करते हैं हम लोग। हाँ देखिए क्या गड़बड़ है, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2 और हमने x की वैल्यू यहाँ कितनी पुट कर दिया है 1 पुट कर दिया, इसलिए गलत आ रहा था। माइनस 3 टू या 6 माइनस 6 होगा, 3 टू या 6 माइनस 6, नाउ यू गेट माइनस 1। नाउ LHS इज माइनस 1 एंड RHS इज माइनस 1, इट मींस दैट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS क्या है RHS के इक्वल है, चेक हो गया क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका 4z plus 3 equal to 6 plus 2z, जितने भी z वाले टर्म है हम उनको एक तरफ करते हैं और विदाउट z वाले जो टर्म है उनको एक तरफ करते हैं, तो ये 4z, ये 2z है, इधर आएगा तो माइनस 2z हो जाएगा, इधर जो है RHS में उसको एज यूजुअल हम लोग राइट आउट कर देते हैं और जो LHS वाला प्लस 3 है इसको हम जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3, 4z माइनस 2z हमारा हो जाएगा 2z, 6 माइनस 3 3 मींस z इक्वल टू आ गया 3/2, z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 क्योंकि 2 यहां z के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं तो हमारा LHS कितना है, LHS है हमारा 4z plus 3 means 4 into 3 by 2 plus 3, 2 and 2, 2 to 4, ये हो जाएगा 2 into 3 plus 3 means 6 plus 3 equal to 9, हमारा LHS आ गया 9, RHS solve करते हैं, RHS है हमारा 6 plus 2z, तो 6 plus 2 into z, z की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 6 plus 3 equal to 9 आ गया, RHS कितना आ गया 9। Now from above it is clear that LHS is equal to 9 and RHS is also equal to 9, so LHS is equal to RHS, ठीक है ना। तो जब LHS और RHS अगर हमारे इक्वल है तो सेम है तो it means that our answer is correct, clear है। Now next question हम लोग डिस्कस करते हैं, जब RHS में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा
2x plus x equal to हो जाएगा 3x और 14 plus 1 equal to हो जाएगा 15, x equal to हो जाएगा 15 upon 3, 3 बन गया 3, 3 5 गया 15, x equal to आ गया हमारा 5. Now, check करते हैं हम लोग आंसर को, check करते हैं तो LHS लेते हैं, क्या लेते हैं? LHS, LHS हमारा कितना है? 2x minus 1, ये कितना हो जाएगा? 2 into 5 minus 1 equal to 10 minus 1 equal to 9, LHS हमारा कितना आ गया? 9. अब हम लोग RHS solve करते हैं, RHS, RHS हमारा कितना है? 14 minus x, 14 minus x की value कितनी है? 5, 14 में 5 subtract करेंगे कितना आ गया? 9. From above it is clear that LHS is equal to RHS. LHS क्या हो गया? RHS के बराबर हो गया. It means that our answer is correct. Now question number 6. Question number 6 है. 8x plus 4. 8x plus 4 is equal to 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1. 3 into x minus 1 plus 7. Plus 7. 8x plus 4. 8x plus 4 is equal to 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x. देखिए ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, इट मींस दैट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ द नंबर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x एज वेल एज 3 इज मल्टीप्लाइड बाय -1. तो व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x इट बिकम 3x एंड व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इट बिकम -3 प्लस 7. क्लियर है? नाउ 8x ये प्लस 3x है, हम इधर ट्रांसपोज करते हैं -3x. माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, ये प्लस 4 है इधर ट्रांसपोज करेंगे -4 और ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन 5, इट मींस दैट x इक्वल टू 0, x कितना आ गया? 0 आ गया. नाउ x की वैल्यू 0 आ गई, नाउ वी विल हैव टू चेक द आंसर. LHS, LHS हमारा है 8x plus 4, 8x plus 4. It means that 8 into 0 plus 4 equal to 0 plus 4 equal to 4. LHS हमारा आ गया 4. RHS, RHS, RHS है 3 into x minus 1 plus 7. 3 into 0 minus 1 plus 7. 3 into 0 minus 1 minus 3. Sorry, minus 1 plus 7. ये हो जाएगा minus 3 plus 7. Minus 3 plus 7. माइनस प्लस माइनस इट बिकम 4, मींस LHS इज इक्वल टू, LHS क्या हो गया? RHS के इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू, x इक्वल टू 4 अपॉन 5 इनटू x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10, 4 अपॉन 5 x प्लस 10. ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं. ये 5 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x equal to 4 into x plus 10. 5x equal to 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4x है इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 5x minus 4x equal to 40 और ये हो जाएगा x equal to 40 अब x equal to 40, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई. नाउ वी विल हैव टू चेक, चेक करना है. LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू है, LHS है हमारा x और x की वैल्यू कितनी है? ये 40. नाउ वी विल हैव टू फाइंड RHS, RHS है हमारा 4 upon 5 into x plus 10, 4 into 5 upon x plus 10. वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40 plus 10, 4 upon 5 into 50, 5 हो गया 5, 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 4 into 10 equal to 40, 4 into 10 equal to 40. So from above it is clear that LHS is equal to RHS, LHS भी 40 है और RHS भी 40 है, तो LHS और RHS equal होगा, ठीक है? Now next question, question number 8, question number 8, question number 8 हम लोग discuss करते हैं. Question number 8 है हमारा 2x upon 3 plus 1, 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15, 7x upon 15 plus. ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करते हैं. 2x upon 3 ये 7x upon 15 है, हम इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 7x minus 7x upon 15 equal to 3, ये plus 1 है इधर आया तो minus 1. LCM लेते हैं दोनों का, 15 LCM हो गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 10x minus 7x equal to 2x.
तो 10x माइनस 7x इतना हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 इनटू 15 3x इक्वल टू हो जाएगा 30 x इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन 3 इक्वल टू 10 x की वैल्यू कितनी आ गई 10 नाउ वी विल हैव टू चेक द आंसर अब हम लोगों को क्या करना है आंसर चेक करना है LHS हमारा क्या है 2x plus upon 3 plus 1 means plus 1 means 2 into 10 upon 3 plus 1 equal to 20 upon 3 plus 1 equal to 20 plus 3 upon 3 equal to 23 upon 3 आ गया RHS सॉल्व करते हैं RHS में हमारा 7x upon 15 plus 3 means 7 into x की वैल्यू कितनी है 10 10 upon 15 plus 3 5 3 15 ये हो जाएगा 14 upon 3 plus 3 ये हो जाएगा 14 plus 9 upon 3 और ये आ जाएगा 9 plus 14 23 upon 3 from above it is clear that LHS is equal to RHS LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया LHS is equal to RHS our answer is correct now I will discuss about question number 9 and 10 question number 9 and 10 of exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2y plus 5 upon 3 2y plus 5 upon 3 is equal to 26 upon 3 minus 1 ये है हम लोग सेम कास्ट को एक तरफ करते हैं ये 2y है ये माइनस वाई है जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस वाई ये 26 अपॉन 3 है ये प्लस 5 अपॉन 3 है हम इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 5 अपॉन 3 2y प्लस y इक्वल टू 3y 3y इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 5 अपॉन 3 मींस 3y इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 3 से कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा 7 3y इज इक्वल टू आ गया 7 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन y equal to आगे 7 upon 3 now we will have to check the answer answer check करना है LHS हम लोग लेते हैं LHS है हमारा 2y plus 5 upon 3 2y plus 5 upon 3 y की वैल्यू कितनी है 7 upon 3 2 into 7 upon 3 plus 5 upon 3 ये हो जाएगा 14 upon 3 plus 5 upon 3 ये हो जाएगा 19 upon 3 14 plus 5 19 upon 3 RHS सॉल्व करते हैं RHS हमारा हो जाएगा 26 upon 3 minus y है RHS है हमारा 26 upon 3 minus y ये हो जाएगा 26 upon 3 minus 7 upon 3 subtract करेंगे 26 में 7 जाएगा और ये आ जाएगा 19 upon 3 तो यहाँ से clear हो गया कि LHS is equal to RHS LHS क्या है? RHS के equal clear है? Now I will discuss about 10th question and last question of this exercise question number 10 and last question of this exercise 10th question है 3m equal to 5m minus 8 upon 3 minus 8 upon 5 solve करते हैं same cast वाले को एक तरफ transpose करते हैं 3m minus 5m plus 5m है जब transpose करेंगे तो minus 5m equal to minus 8 upon 5 3m minus 5m equal to minus 2m equal to minus 8 upon 5 कैंसिल किया कैंसिल आउट हुआ और m इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 2 इनटू 5 इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8 m इक्वल टू 4 अपॉन 5 m की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 5 नाउ वी विल हैव टू चेक द आंसर हम लोगों को आंसर चेक करना है तो LHS लेते हैं LHS हमारा कितना है LHS है 3m means 3 into 4 upon
फाइव मीन्स 12/5 LHS हमारा हो जाएगा 12/5 RHS सॉल्व करते हैं RHS है हमारा 5 into m m की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस 8/5 ओके 5 से 5 कैंसिल हो गया 4 minus 8/5 इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है LCM लेते हैं 4 5 = 20 minus 8/5 20 में 8 क्या आएगा 12/5 एंड 12/5 आवर आंसर LHS इज इक्वल टू RHS LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया वेरी हाई इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x y z s t एंड u v एंड सो ऑन एंड यू हैव टू चेक योर आंसर इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.4 एंड इन एक्सरसाइज 2.4 देयर इज वर्ड प्रॉब्लम सो वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम एंड दे आर इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.4 थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे